हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सत श्री अकाल सभी को। काफ़ी दिन से मेरे पास वीडियोस आ रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी, और यूट्यूब के। जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वहाँ भी कमेंट आता है कि सर हमारी थ्रो नहीं बढ़ रही, हमारा जेवलिन एंगल ऊपर जाता है, बहुत ऊपर को जाती है, कईयों की फ्लैट गिर रही है, कईयों की कुछ का ये कहना है कि जाती नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही, या शोल्डर फील नहीं होता, या एल्बो फील नहीं होती, या ब्लॉकिंग लेग ये वाली ये फील नहीं होती। तो आप कोशिश करो, मैं पहले भी बोलता हूं कि जेवलिन थ्रोअर या कोई भी एथलीट वैसा बनने के लिए पहले बॉडी को उस लेवल का लेके आओ, बॉडी को प्रिपेयर करो। अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, पावर नहीं है, कोऑर्डिनेशन वो चीज होती है, बैलेंस वो चीज होती है, जो आप करो तो एक टांग पे स्लैक लाइन होती है, उसके ऊपर खड़े हो जाना, ये भी बैलेंस की एक्सरसाइज है। देन एबीसी एक्सरसाइज होती है ना, जो सारे बच्चे करते हैं स्टार्टिंग की, वो आप ज्यादा एबीसी एक्सरसाइज करो, उससे कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ता है। देन आप हॉपिंग बॉडिंग वगैरह कर सकते हो, उससे कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ता है। वो कोऑर्डिनेशन से ही आपकी लेग पावर, आपकी स्ट्रेंथ सब इंक्रीज होगी, राइट? तो देन आपको करना क्या है कि आज मैं स्पेशली, मैं संडे था तो ऐसे मन में आया कि कुछ नया करता हूँ, कुछ उन बच्चों के लिए जो स्पेशली गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बिना अच्छी जेवलिन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जिनकी थ्रो नहीं लग रही, ओके, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। जो कमेंट करते हैं सर हमारी थ्रो नहीं बढ़ रही, हमारा ये नहीं हो रहा, एक्चुअली थ्रो क्यों नहीं बढ़ रही, उस रीजन के पीछे जाओ। क्या आपके शोल्डर में उतनी स्ट्रेंथ है कि आप लंबी थ्रो कर सको? क्या आपके बाइसेप में इतनी स्ट्रेंथ है? ये ट्राइसेप है, ये फोर आर्म है, इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। देन आपके कमर में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन करो, लेग पावर के लिए वो करो, देन फिर जेवलिन जाएगी। आज संडे था तो ऐसे सोचा कि बच्चों के लिए कुछ लेके आऊं, या उनको दिखाना है कुछ अलग चीज, राइट? तो सच मानना, मेरे को कम से कम भी आज 3 घंटे लगे हैं, बिकॉज आज संडे था, सारी दुकानें बंद। तो देन जाके बड़ी मुश्किल से एक दुकान ढूंढी जिसके ऊपर हमें ट्यूब वगैरह मिल जाए, तो ट्यूब भी नहीं मिल रही थी। सो आज पतली ट्यूब के साथ ही मतलब काम चलाया, एक फिर मोची को पकड़ा, बहुत मुश्किल, जो सिलता है जूते वगैरह, जो फिट करता है स्पाइक वगैरह, तो वो पकड़ा, तो देन उसको ग्राउंड में लेके आया, खुद उसके अंदर सैंड भरी, और देन ये तीन, ये देखो, इसके अंदर यहां तक सैंड है, ऊपर से सिल रखा है इसको और नीचे से सिल रखा है, यहां पर हमने ग्रिप बना दी इसकी, ये वाली, राइट? ये चीज अब मैंने 4 बनाए हैं ऐसे, ये मान लो छोटे बच्चे के लिए, ये मीडियम के लिए, ये हैवी के लिए, एक और है चौथा, वो गाड़ी में रह गया। तो ये चारों आपके लिए, देखो ये कोई बहुत महंगे नहीं है, पंचर की दुकान से आपको ट्यूब मिल जाएगी, बड़ी ट्यूब ले सकते हैं आप। आप उस दोनों साइडों से सिलवा लो, उसके अंदर सैंड भर लो, राइट? मिट्टी भर सकते हैं इस टाइप की, जो गांठ ना हो जिसमें अंदर, तो प्लेन मिट्टी हो, वो मिट्टी भरो, देन आप इस चीज को सिलवा के आप रखो। क्यों? आपको मैंने पहले बोला था, थेरा बैंड वगैरह भी आपको अपने बैग्स में रखनी चाहिए, लूप बैंड, रोलर, टॉवल, वाटर बॉटल, ये सब। तो ये चीज भी उतनी जरूरी है जितना आपको जेवलिन जरूरी है। जेवलिन के लिए ये चीज होती है, जैवलिन दूर जाने के लिए ये चीजें होती है, मेडिसिन बॉल, आयरन बॉल। अगर आप आयरन बॉल भी कर रहे हैं, मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि आयरन बॉल को कभी भी ओपन में मत करो, जो लोहे का बॉल होता है उसको ओपन में मत करो, यूज टू नेट, नेट के अंदर यूज करो। तो आप नेट के अंदर उसको थ्रो करो, नॉट इन द ओपन साइड मत करो। अगर ओपन में करोगे आप डिस्टेंस के पीछे भागोगे, डिस्टेंस के चक्कर में आपकी शोल्डर इंजरी, एल्बो इंजरी, या बैक इंजरी हो सकती है, स्पेशली शोल्डर इंजरी होती है अगर आयरन बहुत दूर फेंक रहे हो। तो कोशिश करो ऐसी चीजों को, ये यार उन बच्चों के लिए है स्पेशली, मेरे को बोलते हुए भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि जिनके पास चप्पल में थ्रो करते हैं या जूते में करते हैं, फैसिलिटीज नहीं है, राइट? तो कोई बात नहीं, आपके पास आज फैसिलिटी नहीं है, एक दिन आप बहुत ऊपर शाइन करोगे, बस गिव अप मत करना, जो आप चीज को इमेजिन करते हो उसके ऊपर एक्शन करो, राइट? तो तब जाके ये चीजें आपको हासिल होंगी, और कोई बड़ी डील नहीं है, बहुतों के पास कुछ नहीं है। आपने अगर हेमा दास का घर देखा हो तो
उसकी वर्ल्ड जूनियर से पहले तो आप यूट्यूब के ऊपर देखो हिमादास होम या दुती चंद का घर देखो, आपको पता चलेगा वो भी आपके जैसे मेरे जैसे, मेरा भी देख लेना, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत रिच खानदान से, राइट। आप ये सारी चीजें देखना, आपको देन फिर पता चलेगा कि एथलीट कहां से उठ के आता है। तो ऐसे ही आप गिव अप मत करो, कभी गिव अप मत करो और अच्छी चीज के ऊपर फोकस करो। तो मैं आपको सॉरी, मैंने पेंट पहन रखी है तो कोशिश करता हूँ फिर भी आपको खड़े खड़े आपको करके दिखा दूँ इसको एक बार करना कैसे है। तो मैं लाइट वाला ले लेता हूँ बिकॉज मैं वार्म अप नहीं हूँ, तो लाइट वाला लेके देन मैं फिर करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये चीज है, ये बॉल है राइट, और यहाँ आपको बॉल के बिल्कुल साथ में खड़े हो जाना है, जूता बॉल के साथ राइट। मेरे जूते भी दूसरे हैं यार, सॉरी। तो इस चीज को ये जेवलिन की तरह पकड़ना है इसको, और ये हाथ यहाँ रखना है पीछे, ठीक है। इतना ऊंचा मैं बोलता हूँ, इसको नीचे रखो, इसको ऊपर रखो, आप खुद देख सकते हैं मेरा हाथ कितना ऊंचा है, आर्टिफिशियल ऊपर है। देन आपको ये चीज यहां पर करनी है, ये हिप मूव, वेट करो, ये हिप, ये पैर लगा, ये मूव, देन ये हिट। और हिट करोगे तो ये चीज को इधर को मत करना, ये चीज रॉन्ग है, आपको इधर ही रखनी है, देन हिट करो यहां, ये चीज को लॉक रखो, अगले वाले को लॉक रखो। बहुत लड़के भेजते हैं वीडियो इस चीज को लॉक नहीं रखते, ये चीज ऐसे कर देते हैं, वो गलत है। तो कोशिश करो आप बॉडी को स्टेबल रखो, देन वो चीज कवर हो जाती है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। तो जो बच्चे नहीं कर सकते प्लीज ट्राई करें इस चीज को, और ये बहुत कॉस्टली नहीं है, हर गांव में हर शहर में मोची अवेलेबल होता है, टायर की दुकान अवेलेबल होती है, तो आप हैवी से हैवी लाइट से लाइट कर सकते हैं। और कोशिश करो कि परफेक्शन के ऊपर जाओ, एकदम जल्दी ऊपर जाने की मत सोचो, परफेक्शन आ गई आप ऑटोमेटिक चले जाओगे। टेक्निक के ऊपर फोकस करो, पावर के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। जो जूनियर बच्चे हैं उनको ज्यादा वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, और स्पेशली ये चीजें करो थ्रो से पहले, राइट। थ्रो से पहले अगर थ्रो छोड़नी है तो छोड़ सकते हो आप, इसका एक सेशन लेना है आपको प्रॉपर, एक सेशन में इसको हफ्ते में 2 बार इसको फेंको, तो आप थ्रो छोड़ सकते हो नो प्रॉब्लम, कि आपको थ्रो नहीं करनी है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप थ्रो रहने दो, आप इनको करो, आपके शोल्डर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी। आप इसको 2 वीक करके देखो, तीसरे वीक में आप जेवलिन बेस्ट करोगे जो जूनियर बच्चे हैं। तो 2 हफ्ते का मतलब ये नहीं कि 15 दिन करनी, 12 दिन सॉरी करनी है। तो आपको वो चीज मंडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को करनी है। तो वेडनेसडे आप गैप दे दो, वेडनेसडे को थ्रो के साथ पैकिंग कर लो, मंडे और फ्राइडे इसको करो दीवार के साथ, और सेट इसके करने हैं 8 बार, एक एक बार में 8 रेपिटेशन, आपको 4 से 5 सेट करने हैं, 8 8 रेपिटेशन, या 6 सेट भी कर सकते हैं 8 रेपिटेशन। तो लाइट से शुरू करके लाइट, हैवी हैवी हैवी, जो जूनियर बच्चे हैं वो लाइट से करेंगे, ठीक है। तो ये मेरी आज की आपके लिए लेके आया था। सो कोशिश करना इसको अप्लाई करके देखो, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू।